एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंफोसिस की तरफ से ही बहुत ही अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। इंफोसिस फिर से हायर कर रहा है गाइस एसपी एंड डीएससी रोल के लिए। गाइस आपने सही सुना, यहाँ पे आपको 9.5 एलपी का तक का पैकेज देखने मिल जाता है इंफोसिस की तरफ से। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कमेंट आएगा कि हम अभी तक के वेट कर रहे हैं, हमने सिस्टम इंजीनियर या तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए अप्लाई किया था बट हमें अभी तक के कोई भी यहाँ पे अभी ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, वो सिनेरियो अलग है, ये दूसरा प्रोफाइल है जहां पे आपको एसपी एंड डीएससी रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आपको 6.25 एलपीए एंड 9.5 एलपीए तक का पैकेज देखने मिल जाता है। ये दूसरी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी है गाइस, उसके बारे में हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आ जाती है इंफोसिस की तरफ से। पूरी डिटेल में बात करेंगे गाइस, रिसेंट ग्रेजुएट बैच के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आपको बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, उसके लिए वीडियो आपको एंड तक के देखना होगा। एंड अभी तक के कोई भी यूट्यूब चैनल ने इसके रिगार्डिंग पोस्ट नहीं किया है, सबसे पहले हम हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। आपका जो कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि इस अपॉर्चुनिटी में पता चल जाए। ओके गाइज, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ तो मुझे भी आपका सपोर्ट की रिक्वायर है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है एसपी डीएससी रोल के लिए, जहां पर आप देख सकते हो अक्टूबर 2022 ये आपको यहाँ पे डेट भी मिल जाती है यहाँ पे लिंक पे, जहां पे आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ की हायरिंग है एसपी डीएससी रोल के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाया था एसपी डीएससी रोल का, वहीं पे आपको पूरा यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देखने मिल जाता है, जहाँ पे बी बी टेक एम एम टेक एम सी एम एस सी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस की बात कर ली जाए 2020, 2021 एंड 2022 बैच ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर 2019 बैच अप्लाई नहीं कर सकती, 2020 से लेकर 2022 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस की बात कर ली जाए, कंप्यूटर साइंस अप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी ब्रांचेस मेंशन की गई है वो यहाँ पर एलिजिबल है। साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिविल ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोल है टोटली कोडिंग बेस्ड रोल होने वाला है, जहां पर आप सभी एलिजिबल नहीं होते हो अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो सिर्फ सीएसआईटी एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपको 9.5 एलपीए का पैकेज देखने मिल जाता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के लिए एंड 6.25 एलपीए का पैकेज देखने मिल जाता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए। एंड ये जो है गाइस यहां पे आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर रोल, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जो है रोल डिसाइड किया जाता है कि आपको 9.5 एलपीए का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल मिलने वाला है या 6.25 एलपीए का डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल मिलने वाला है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, इसकी लास्ट डेट अभी तक के नहीं पता है, जैसे ही मुझे पता चलेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेटेड रहिए। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए, सबसे पहले आपकी एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपका टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होने वाला है। एंड उस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जो है एक रोल दिया जाने वाला है, चाहे डीएससी रोल हो या एसपी रोल हो। काफी अच्छा सैलरी पैकेज है, 6.25 से लेकर 9 एलपीए तक का आपको पैकेज यहाँ देखने मिल जाता है। सो गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आपको बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए, 3 कोडिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसकी डिफिकल्टी लेवल हाई होने वाली है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, डिफिकल्टी टफ होने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि फुल ऑन कोडिंग का ये जॉब होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप हमारे चैनल पे सर्च करते हो, मैं आपको बताता हूँ डीएससी एंड एसपी, अगर आप ये सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, जहां पर आपको ऑलरेडी देखने मिल जाता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंफोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, टॉपिक्स, सभी चीजें मेंशन की गई है, तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे इंफोसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाते हैं, इंफोसिस का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, ओके इससे लेके बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाते हैं, तो सभी वीडियोस की, इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड। अप्लाई कैसे करना है, ये सर्वे फॉर्म है, हमेशा जो सर्वे फॉर्म मिलता है, सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है,
यदि आप आपको अपने बेसिक डिटेल्स ऐड करके इस गूगल फॉर्म इस ये जो फॉर्म सर्वे फॉर्म दिया गया है उसे फिलअप कर देना है। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।